लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है प्रवीण, आपके पास वापस आएंगे हम, एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें, और यह महत्वपूर्ण अपडेट है। मुख्तार अंसारी का परिवार हाईकोर्ट जाएगा, अब्बास के पैरोल के लिए कोर्ट जाएगा परिवार। अब्बास अंसारी जो कि एसबीएसपी के का विधायक है और फिलहाल अभी जेल में है, अब्बास अंसारी उसके पैरोल के लिए हाईकोर्ट जाएगा मुख्तार अंसारी का परिवार। और मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा हमें जानकारियां देंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, आपको क्या सूचना मिल रही है? जी बिल्कुल, जो मुख्तार अंसारी का परिवार है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों से संपर्क किया है, और संपर्क करने के बाद फैसला ये लिया गया है कि सुबह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर इस अर्जी को सुनने की अपील की जाएगी, जिसमें ये मांग की जाएगी कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है, अब्बास अंसारी उनका बेटा है, इसलिए कोई शॉर्ट टर्म बेल या पैरोल दी जाए जिससे वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके, अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब्बास अंसारी को तीन मामलों में जमानत नहीं मिली हुई है। पहला मामला चित्रकूट जेल से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो अवैध तरीके से अपनी पत्नी निकहत से मिलता था। इसके अलावा दूसरा मामला है जिसमें ईडी ने केस दर्ज किया था, और तीसरा मुकदमा है गैंगस्टर एक्ट का। तीनों मुकदमे अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं, इसलिए परिवार ने ये फैसला किया है कानूनी राय लेने के बाद कि सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही अर्जी दाखिल की जाएगी, कोर्ट को मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ कोर्ट से इस बात की गुहार लगाई जाएगी कि पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी को पैरोल दी जाए। अब्बास अंसारी अभी यूपी की कासगंज जेल में बंद है, पिछले कई सालों से वो जेल में है। सबसे पहले गिरफ्तारी उसकी हुई थी जो ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ, और उसके बाद तमाम मामलों में उसका रिमांड बन गया था। तो तीन ऐसे मुकदमे हैं जिसमें अभी अब्बास अंसारी को जमानत नहीं मिल पाई है। जी, आप महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं, और एक बार फिर से दर्शकों को बता दें जो खबर आपने दी, अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए या शॉर्ट टर्म बेल के लिए परिवार सीधा हाईकोर्ट जाएगा, और तीन मामलों का अभी मोइन जिक्र कर रहे थे जिनमें जमानत नहीं मिली अब्बास अंसारी को, और कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। कोर्ट से दरखास्त की जाएगी मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा के अंतिम संस्कार, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यह छूट दी जाए अब्बास अंसारी को। अब यह तो ताजा अपडेट रही पैरोल्स के मामले से जुड़ी हुई, और एक बार फिर से हम आपको मऊ लिए चलते हैं। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ वहां से कनेक्ट हैं, और प्रवीण हमें बता रहे थे और दिखा रहे थे, और प्रवीण से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि फ्लैग मार्च शाम को कब किया वहां पर फोर्सेज ने, और किन किन इलाकों में किया, और किस तादाद में, और कौन सी फोर्सेज मऊ में मौजूद हैं। प्रवीण, जैसा कि शाम को 6 बजे गाजीपुर तिराहा, यहाँ का बोला जाता है गाजीपुर तिराहा से लेके आजमगढ़ तिराहे से लेके और मिर्जहारीपुरा चौराहा जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पे शाम से ही फ्लैग मार्च शुरू हो गया था। क्योंकि एहतियात के तौर पे वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है और माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वैसे भी लगभग रोज शाम को फ्लैग मार्च होता है, वो रूटीन उसमें था। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना आई, अचानक पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, सरकारी जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें भी पीएससी के जवान आए, और भिन्न भिन्न चौराहों पे, गली मोहल्लों पे, यहाँ पे सब लोग फैल गए। और जैसा कि आप इधर देख रहे हैं हमारे पीछे साइड में, लगातार जो है पुलिस यहाँ पे बनी हुई है, और पुलिस अधिकारी भी आप इधर दिखा सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी जगह जगह चौराहों पे कैंप किए हुए हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पे जो माहौल है अभी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे माहौल चल रहा है। किसी प्रकार की कोई घटना या जुलूस या इस तरीके की नारेबाजी की कोई अभी तक सूचना नहीं आई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्लैग मार्च हुआ है, पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है, हम देख भी पा रहे हैं, और अभी तक वहां पर सब शांतिपूर्ण है, ये हमें हमारे सहयोगी प्रवीण मऊ से हमें बता भी रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। और इस बीच में मोहम्मद मोइन ने हमें अपडेट किया है कि अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए सीधा हाईकोर्ट जाएगा मुख्तार अंसारी का परिवार, और कोर्ट से दरखास्त करेगा कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के लिए, जो कि अब्बास अंसारी के पिता थे, उसके लिए पैरोल दी जाए या शॉर्ट टर्म बेल दी जाए। यह ताजा अपडेट है इस प्रकरण से जुड़ा हुआ। सेक्शन 144 धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू है। हम आपको वो रूट भी बता रहे हैं जिससे बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को कल, वो हम आपको रूट भी बता रहे हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था
हर महत्वपूर्ण इलाके में रखी गई है और उसकी प्लानिंग की गई है, उसका भी डिटेल लगातार हम आपको दे रहे हैं। इस मौत के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उसके बारे में भी लगातार हमने आपको बताया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े, जिनके भाई के मामले में आरोपी था मुख्तार अंसारी। बहरहाल इस वक्त मोर्चरी में रखा गया है मुख्तार अंसारी के शव को। ताजा अपडेट ये है बांदा से, और बांदा मेडिकल कॉलेज जहां पर इलाज के लिए लाया गया दिल का दौरा पड़ने के बाद उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें जिस वक्त लाया गया हॉस्पिटल दिल का दौरा पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को, वो उस वक्त की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू किया लेकिन वो मुख्तार अंसारी की जान नहीं बचा सके। और उसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ अस्पताल की ओर से, उसमें बताया गया कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं बांदा, गाजीपुर, मऊ, कानपुर और बुलंदशहर की। और बांदा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, जब तबीयत खराब होने के बाद, दिल का दौरा पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को लाया गया। जो ताजा स्थिति है वो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, चाहे बांदा की हो, चाहे गाजीपुर की हो, जहां पर कल मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जाएगा सुपुर्द खाक करने के लिए, या फिर मऊ की तस्वीर हो जहां पर पुलिस मुस्तैद है, अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात हैं, फ्लैग मार्च किया गया है, या फिर कानपुर में आप देखिए, कानपुर भी सेंसिटिव जान पड़ा और उसके लिए उसके बाद जो है वहां पर जो फोर्सेस की तैनाती है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप पुलिस को मुस्तैद देख सकते हैं, मार्च करता हुआ देख सकते हैं। रमजान का महीना भी चल रहा है और ये जो रमजान की जो शाम होती है, रात होती है, ये रोजा रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। तो अभी हमारे सहयोगी प्रवीण बता रहे थे कि इस लिहाज से भी मऊ में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन अब इस घटना के बाद वहां पर यह तैनाती और बढ़ गई है।